तो आज हम आए हैं सूरजगढ़ फार्म और ये बहुत प्यारा ब्लॉग होने वाला है आप सबके लिए। मैं सूरजगढ़ फार्म के लिए सब कुछ आपको बता दूंगी, यहाँ का एड्रेस, यहाँ के जो चार्जेस वगैरह हैं और यहाँ पे मिलने वाला है आपको स्पेशल डिस्काउंट। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी आपको। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और इस अच्छी सी जगह का आनंद लीजिए और सारी डिटेल्स इस वीडियो में पाइए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सूरजगढ़ फार्म, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए बढ़ते हैं सूरजगढ़ फार्म की तरफ। दोस्तों सूरजगढ़ फार्म गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 59 गुड़गांव में बिल्कुल रोड के साइड में ही है ये देखिए। और ये कुछ इस तरह दिखता है बाहर से सूरजगढ़ फार्म जो कि गुड़गांव में है। आइए अंदर दिखाते हैं। दोस्तों ये है इनकी पार्किंग जो कि बहुत बड़ी है, काफ़ी गाड़ियां यहाँ खड़ी हो सकती हैं और बाइक्स वगैरह भी खड़े होने की जगह है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी पार्किंग है, बिल्कुल पार्क में ही पार्किंग ना रखिए। दोस्तों ये है इनका टिकट काउंटर जो एंट्री से पहले आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अपनी टिकट्स कलेक्ट करनी है और कुछ इस तरह की टिकट मिलेगी दोस्तों जो आपके हाथ पे बैंड की तरह बांध दी जाएगी और आपको पूरे टाइम जब आप विजिट करोगे आपको हाथ में बांध के रखना है। चलिए एंट्री करते हैं दोस्तों सूरजगढ़ फार्म में। और दोस्तों सबसे पहले आपका करा जाएगा इस तरह बिल्कुल ग्रैंड स्वागत वेलकम, जहाँ पे आप लोग डांस वगैरह भी कर सकते हैं, डांस नहीं करना तो सिर्फ सुन के और आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का स्वागत किया जाएगा आपका, जहाँ पे ढोल नगारों के साथ आप लोग डांस वगैरह करके आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा थीम बना रखा है यहाँ पे और बाहर से ही लग रहा है कि काफ़ी मज़े आने वाले हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये देखिए हमारे सामने है एलिफेंट। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा थीम भी बना रखा है जहाँ पे आप लोग पिक्स वगैरह क्लिक करा सकते हैं इन थीम्स के साथ। ये देखिए कैसे ऑटो वगैरह खड़े हैं और ये देखिए यहाँ पे हाथी भी खड़ा है, ऑल्दो ये हाथी नकली है दोस्तों। और कुछ बाइक्स वगैरह भी खड़ी हैं यहाँ पे शोले मूवी की, ये देखो। आप लोग बहुत अच्छी पिक्स क्लिक करा सकते हैं। दोस्तों हम एंटर कर रहे हैं अब अंदर और हमें लगी है सबसे पहले भूख, सो हम ब्रेकफास्ट करेंगे। दोस्तों ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। दोस्तों यहाँ जगह जगह आपको मैप मिल जाएगा कि किस साइड क्या है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है मिट्टी के चूल्हे से खान पान प्रसाद इस तरफ है और इसी तरह जो है मनोरंजन, मनसुनिया, मीनिया, चेंजिंग रूम, सामान घर सब कुछ दूसरी तरफ है। और दोस्तों सबसे पहले मिलेगी आपको वेलकम ड्रिंक जो कि है नींबू पानी, और ये जो नींबू पानी है बहुत टेस्टी है दोस्तों, बहुत प्यारा है। दोस्तों यहाँ बहुत ही प्यारा व्यू है, हर तरफ हरियाली है, फार्म हाउस जैसा होता है ना वैसा ही है बिल्कुल बड़ा सा। और ये देखिए यहाँ पे बतख वगैरह डोल रही हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये है हमारी राधा रसोई जहाँ पे चूल्हे से खाना मिलेगा हमको लंच टाइम में। दोस्तों ये देखो यहाँ है खान पान का हॉल और अब हम जाएंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। और दोस्तों कुछ इस तरह का सेटिंग अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे, मुड्डों पे बैठ के आप लोग सुबह के ब्रेकफास्ट का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए ये है यहाँ का स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट जिसमें आपको मिलेगी पूरी सब्जी, आलू का पराठा, इडली, सांभर, वड़ा और दही मिलेगी आपको, ग्रीन चटनी मिलेगी, छाछ मिलेगी, टी मिलेगी। दोस्तों हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं यहाँ पे, बहुत टेस्टी मतलब ब्रेकफास्ट है यहाँ का।
दोस्तों ब्रेकफास्ट की टाइमिंग 9 बजे से 11 और लंच का टाइम 1 बजे से 3 बजे तक है यहाँ पे। और दोस्तों सूरजगढ़ फार्म बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए बना है। ये देखिए यहाँ बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी झूले लगे हुए हैं और दोस्तों ये थीम देखिए, देख पगली हुक्का ना छोड़ा जब मैं रहता है। सो दोस्तों ये है स्मोकिंग जोन और सुट्टेबाजों के लिए ये स्मोकिंग जोन बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे ये देखिए खाट पे बैठ के आप अपना हुक्का लाइए और बैठ के पीजिए और सारे जो हीरो वगैरह हैं विलेन वगैरह वो आपका साथ देंगे यहाँ पे। सो दोस्तों अब हम एंटर कर रहे हैं एक्टिविटी जोन में और ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी एक्टिविटीज़ और गेम्स हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैमल कार्ट राइड, कैमल राइड, पुलकॉक राइड, ट्रैक्टर, जिपलाइन हम कर ही चुके हैं, वॉल क्लाइंबिंग, कमांडो नेट, हॉट स्पॉट, ब्रह्मा ब्रिज, कमांडो क्रेवल, टार्जन स्विंग, आर्करी और बोट कैंप। तो सर दोस्तों ऐसे यहाँ पे आप ऐसी स्क्विड बाइक भी चला सकते हैं और जो इसके चार्जेस हैं स्मॉल वाले के 100 रुपीज़ और बड़ी वाले के 150 रुपीज़ चार्जेस हैं। सो दोस्तों ये है कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पे और इन एक्टिविटीज़ को करके आपके शरीर की पूरी कसरत हो जाएगी और एडवेंचर करने में मज़ा भी आएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, कमांडोज एक्टिविटीज। और दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह के राजस्थानी शोज़ वगैरह भी चलते रहते हैं बीच बीच में, आप लोग ये सब देख के इसका भी आनंद उठा सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे है थोड़ा सा डिजाइन, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे है आलू के पकौड़े और यहाँ पे है चटनी और यहाँ पे है ये देखिए आप पे नाश्ता वगैरह। और दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं जलेबी। और दोस्तों ये देखिए ये है जलेबी काउंटर और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी परी जलेबी बनी हुई है और ये गरम गरम ये भैया निकाल रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पे बैठने का भी अरेंजमेंट है क्योंकि पूरे दिन का आउटिंग होती है तो आप लोग अगर थक जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग खाट वगैरह पे बैठ के आराम कर सकते हैं। यहाँ पे गेम्स वगैरह हैं दोस्तों और हम लोग बॉल वगैरह खेल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बॉल रखी है और सो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे है गन शूटिंग और हम करेंगे गन शूटिंग। चलिए देखते हैं मेरा निशाना लगता है कि नहीं लगता। मिस हो गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे है गुलेल से निशानेबाजी लगाने वाला और ये देखिए मैं लगाती हूँ निशाना, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता। सो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे है चिड़ियाघर और कितने प्यारे 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 खरगोश है ये, ओ माय गॉड। और ये देखो ये चढ़ रही है आसमान में चढ़ने वाली है, ये देखो ये सीढ़ियाँ सीधा स्वर्ग लोग जाती है और इनके नसीब में नहीं है स्वर्ग में पहुंचना, ये देखो यहीं पे उतर गई है। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं कैमल राइड करने और साथ ही हम बैलगाड़ी की राइड भी करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे है बैलगाड़ी और ये देखिए कितना अच्छा बैल है, ले चल भाई इसको। नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो दोस्तों ये है कैमल ऊंट गाड़ी, ये देखिए और ये देखिए मेरी फैमिली ऊंट पे बैठती हुई ये देखिए मम्मी को गांव की याद आती हुई गांव जा रहे हैं अब इस गाड़ी से। और ये देखिए इधर से आना ऊंट गाड़ी। और दोस्तों यहाँ पे है इंडोर गेम्स, ये देखिए काफी अच्छी जगह खेलते हैं यहाँ पे इंडोर गेम्स। ये है कैरम बोर्ड, यहाँ पे दोबारा कैरम बोर्ड और ये आप खेल सकते हैं लूडो और ये है फुटबॉल क्या कहते हैं इसको। सो दोस्तों अब हम आए हैं मिट्टी के चूल्हे से खाना खाने और ये देखिए ये है वो रसोई जहाँ पे जो है मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है।
और दोस्तों ये देखिए, हम दिखाते हैं यहाँ की रसोई में कैसे ताज़ी ताज़ी रोटी बनती है चूल्हे पे। और यहाँ पे जो मतलब ये राजस्थान की वुमेंस हैं जो ये सब रोटियाँ वगैरह बनाती हैं, साग वगैरह बनाती हैं और हमें परोसती हैं। और दोस्तों ये देखिए गांव का खाना, जिसमें मिलेगी चूरमा मिलेगा, दाल मिलेगा, कढ़ी मिलेगी, छाछ मिलेगी, रोटी मिलेगी, गुड़ मिलेगा, चटनी मिलेगी। सो दोस्तों चूल्हे की रोटी तो अब हम खा ही चुके हैं, अब हम चलते हैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट का खाना खाने, जहाँ पे मिलेंगे तरह तरह के व्यंजन, और चलिए वो ट्राई करते हैं। और दोस्तों ये है यहाँ का लंच, जिसमें मिलेगी आपको रोटी, पनीर की दो तरह की सब्जी, दाल मखनी, दाल तड़का, फ्राइड राइस, राइस, चिली पोटैटो। और दोस्तों यहाँ पे है गोरिल्ला और जो है जोकर, जो कि थीम डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा डांस कर रहे हैं। और दोस्तों ये है कठपुतली का डांस, यहाँ पे आइए देखते हैं कठपुतली का डांस थोड़ा सा। और दोस्तों हमारे सामने आया स्विमिंग पूल, जहाँ पे आप लोग जो है थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं स्विमिंग पूल में भी, और काफ़ी मस्ती कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे है पॉटरी, और आप लोग जो है मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना सीख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो कितनी प्यारी बच्ची कला सीख रही है। और दोस्तों यहाँ पे आप फ्री में मेहंदी भी लगवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ हमारे सामने है मैजिक शो, आइए देखते हैं। और दोस्तों हमारे सामने लग चुका है इवनिंग का स्नैक, जिसमें है टिक्की, भल्ले, पापड़ी, गोलगप्पे और जो है फ्राइज हैं, और काफी मजे आने वाले हैं। और दोस्तों एट दी एंड यहाँ पे है लाइव डीजे, जहाँ पे आप लोग डांस वगैरह कर सकते हैं। सो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सूरजगढ़ फार्म, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों ये जो सूरजगढ़ फार्म है वो सेक्टर 59 में पड़ेगा, और अपना बादशाहपुर की साइड पड़ेगा गुड़गांव में। उसके अलावा दोस्तों मैं डिस्काउंट की बात बता रही थी कि यहाँ के जो टिकट के प्राइस हैं वो हैं 1200 पर पर्सन, और किड्स के लिए 650 हैं। बट अगर आप DRS डील्स, यानी जिनका नंबर या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप उनसे बात करके यहाँ पे आते हैं तो आपको जो है यहाँ के टिकट वो 850 पर पर्सन की पड़ जाएगी। सो आपको टोटल जो डिस्काउंट पड़ जाएगा, सो दोस्तों 350 रुपये पर पर्सन का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सोचिए अगर आप ग्रुप में आते हैं और 10 लोगों के ग्रुप में, आपको कम से कम 3500 रुपये की सेविंग हो जाएगी। सो दोस्तों फिर भी अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी हो कि डिस्काउंट कैसे मिलता है, या आपको फिर भी समझ में नहीं आता, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे को फॉलो करें और मेरे को मैसेज करें कि एक डिस्काउंट सूरजगढ़ फार्म, और मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि आपको ये डिस्काउंट कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ के टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ के टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक हैं, और आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स मिलेगा, डिनर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्लोजिंग की जो सेरेमनी है वो बहुत अच्छी होती है, वो तो आपने देखी ही है। सो दोस्तों एट दी एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को क्लोज करूँगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि मुझे कि आपको ये जगह कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।